नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कोरोना संकट के बाद से ही चीन की विस्तारवादी नीति को लेकर दुनिया के तमाम देश चीन के खिलाफ खड़े हो गए हैं और चीन को सबक सिखाने की पूरी तैयारी कर ली है। जिस तरह कोरोना फैलाने के बाद चीन ने सीमा को लेकर भारत को तेवर दिखाए हैं, तब से चीन संकट में फंस गया है। अब चीन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर के तमाम इलाकों पर उसके दावे को खारिज कर दिया है। ट्रंप प्रशासन ने सोमवार को एक बड़ा नीतिगत फैसला लेते हुए कहा कि दक्षिण चीन सागर में चीन के दावे का कोई कानूनी आधार नहीं है और वो एक तरफा तरीके से अपनी मर्जी नहीं चला सकता। अमेरिका ने कहा कि 21वीं सदी में चीन के आक्रामक नजरिए के लिए कोई जगह नहीं है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि दुनिया बीजिंग को दक्षिण चीन सागर को अपना समुद्री साम्राज्य नहीं बनाने देगी। अमेरिका अपने दक्षिण पूर्व एशिया के सहयोगी देशों के साथ खड़ा है और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत उनकी संप्रभुता और संसाधनों पर उनके अधिकारों की सुरक्षा करेगा। अमेरिका दक्षिण चीन सागर या किसी भी दूसरे बड़े इलाके में शक्ति के दम पर कब्जे की हर कोशिश को खारिज करता है और समुद्री इलाके की सुरक्षा में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ खड़ा है। अमेरिका के इस ऐलान पर चीन की भी प्रतिक्रिया सामने आई। चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका के दक्षिण चीन सागर पर दिए गए बयानों में तथ्यों के साथ जानबूझकर छेड़छाड़ की गई और इलाके की स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। ये चीन और अन्य देशों के बीच विवाद पैदा करने की कोशिश है और हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। दक्षिण चीन सागर में चीन और वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, ताइवान के बीच विवाद है। 9-लाइन के नाम से पहचाने जाने वाले इलाके पर चीन अपना दावा पेश करता रहा है और अपने दावों को मजबूत करने के लिए इस क्षेत्र में कृत्रिम द्वीप बना रहा है। चीन ने पिछले कुछ दिनों में अपनी नौसेना की मौजूदगी भी इन इलाकों में बढ़ा दी है, जिससे दक्षिण चीन सागर में तनाव और बढ़ गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।